Pick yellow one. Very good. Very good. हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. सो जैसे मेरा लास्ट व्लॉग था सिम्बा के रिलेटेड, जहाँ पर मैंने कुछ थोड़ी एक आधी फूड रेसिपीज़ शेयर करी, बट इस व्लॉग में मैं एक्चुअली दो तीन रेसिपीज़ शेयर करूँगी अच्छे से डिटेल्ड में, और जो मैं थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ कराती हूँ सिम्बा के साथ वो भी मैं शेयर करूँगी. सो ये व्लॉग आप पूरा देखना. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए और कॉमेंट करिए. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए. सो स्टे ट्यून्ड. सो मैं सिम्बा के लिए ब्रेकफास्ट में बना रही थी आज सूप, और सूप में एक्चुअली मैं यूज़ करती हूँ टोमेटोज और कैरेट और बीट रूट. तो मैंने पहले टोमेटो अच्छे से निकाल दिया, उसको हाफ कर लिया, देन मैं कैरेट का जो आउटर लेयर है वो पील ऑफ कर रही थी. उसके बाद बस मैं उसको छोटे छोटे ऐसे सर्कल्स में जो है छोटे छोटे कट करके मैं उसमें डाल दूँगी. और मैंने टोमेटो एकदम टोमेटो फुल नहीं लिया, हाफ ही लिया है. उसके बाद मैं बीट रूट के पतले पतले स्लाइस थोड़े से डाल दिया, तो ऐसे उसको सारे वेजिटेबल्स के ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं और उसको वो टेस्ट का एक्सपोजर भी हो जाता है, और ये काफ़ी अच्छा है. देन मैं ऐड करूँगी ये बटरनट स्क्वॉश, इसको पम्पकिन भी बोल सकते हैं. ये यहाँ पे यूएस में फ्रोज़न मिलता है, सो मैं फ्रोज़न यूज़ करती हूँ. और थोड़ा सा मैंने पम्पकिन रख दिया बिकॉज सिम्बा को पम्पकिन बहुत ज़्यादा पसंद है. सो बस मैंने स्टीमर में रख के उसको ढक दिया है. Simbu, you're handsome. I love you. सो मैं बस चेक कर रही थी कि ये सारे जो वेजीज है वो अच्छे से प्रॉपरली कुक्ड हो चुके हैं कि नहीं. सो आप देख सकते हो कि सारा कुछ ए टू जेड कुक्ड हो चुका, और मैं ये टोमेटो का स्किन जो है ऊपर का वो पील ऑफ कर रही थी. आप मेक श्योर करना कि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर करना, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है. देन उसके बाद बस मैंने मिक्सर में लाइक वो जार में मैंने एडवोकेट पानी डाला, और उसके बाद बस आपको उसको पीस लेना है. और ये मेक श्योर करना है कि मैं थिक नहीं रखना है, मैं सूप की कंसिस्टेंसी ही चाहिए. सो वो आप पानी उस हिसाब से आप डाल सकते हो. सॉरी, ये मेरा जो सूप है वो रेडी हो चुका है, और ये सिम्बा को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, सो आप ये ट्राई कर सकते हो. ये लंच का टाइम हो गया था, सो मैंने डिसाइड किया कि मुझे मिक्स वेज खिचड़ी बनानी चाहिए जिसमें वेजेस ज़्यादा होगी. और वेजेस मैंने यूज़ किया था श्रेडेड कैरेट, पम्पकिन और मटर, और यहाँ पे फ्रोज़न में मिल जाता है सो मैंने फ्रोज़न ही यूज़ किया है पम्पकिन और कैरेट. और आप देख सकते हो क्वांटिटी दाल और राइस का, मैंने मूंग दाल यूज़ किया है. बस मैंने एक टेबल स्पून घी डाला और उसमें सारे वेजेस मैं रोस्ट कर लूँगी, और आपको अच्छे से रोस्ट करना है थोड़ा सा, कि थोड़ा सा ब्राउन हो जाए. उसके बाद बस मैंने दाल राइस जो था भिगोए वो मैंने वो डाल दिया, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया, हींग डाल दिया. अगर आपके पास क्यूमिन पाउडर है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, और आप थोड़ा सा क्वांटिटी के हिसाब से आप पानी डाल दो और विसल लगा दो, और ये मेरी खिचड़ी रेडी हो गई है. मैं मैश करके, आज मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया कि मुझे इसको मैश करके देना है, नहीं तो अदरवाइज़ मैं इसको प्योरे फॉर्म में बना के ही देती हूँ. और सिम्बा ये सो के उठ चुका था, सो थोड़ा सा हम लोग खेल रहे थे उसके साथ और ये उसकी मस्ती चल रही थी. सिम्बा सिम्बा ऐसे देखो कैसे करते कैसे करते ऐसे ऐसे कैसे करते ये कैसे हेड टू हेड कैसे देखते मैं तो फूक मारू ओ
थोड़ी मस्ती करने के बाद मैं सिम्बा को आगे लेके आई, और ये उसका प्लेइंग मैट है जो मैंने इसके लिए अमेजोन से लिया था। अगर आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और ये मैंने फ्लैश कार्ड्स लिए थे, ये फ्लैश कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं बच्चों के लिए। और देन ये मैं उसको एक्टिविटी करवा रही थी जिसमें ये सारे रिंग्स डाल देती हूँ, और मैं उसको कलर के हिसाब से उसको बोलती हूँ वो रिंग निकाले। अभी उसको कलर्स का इतना नॉलेज नहीं है, बट वो रिंग बहुत अच्छे से निकालता है, उसको मज़ा आता है। सो ये उसकी थोड़ी सी फाइन मोटर स्किल्स है वो डेवलप होती है, बिकॉज वो प्रॉपर से अच्छे से निकाल लेता है जो भी मैं उसको बताती हूँ। कभी कभी वो शॉर्टकट भी यूज़ कर लेता है, बट ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ मैं कराती रहती हूँ उसको थोड़ी बहुत। और मैं ज़्यादातर मेक श्योर करती हूँ कि उसको बुक्स के अराउंड रखूँ, थोड़ा बहुत रीडिंग करती हूँ उसके साथ बैठ के। और ये मैं फ्लैश कार्ड दिखा रही थी कि ये क्या है, एटलीस्ट वो रिकग्नाइज करे वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। देन ये उसकी फेवरेट बुक है, जब वो 1 month का था तभी मैंने ये क्लोथ वाली बुक ली थी जिसमें सारे एनिमल्स है, और उसमें एक्चुअली ये पूरे कपड़े का बना हुआ, और उसमें डिफरेंट टेक्सचर है कपड़े के भी। तो जब वो छोटा था तो वो उसको टच करके फील करता था, अभी वो बड़ा हो गया है तो उसको मैं सारे एनिमल्स जैसे बताती हूँ कि ये क्या है वो क्या है, उसके साउंड्स बताती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। वो थोड़े टाइम में वो बोर भी हो जाता है, बट ठीक है, उसके पास थोड़ी ज़्यादा बुक्स है तो मैं उसी के अराउंड उसकी सारी एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ। सो या शाम के 4 बज गए थे और सिम्बा का स्नैक का टाइम हो गया था। सो स्नैक में मैं उसे एप्पल दे रही थी, मैं एप्पल प्योरे बनाने वाली थी जो सिम्बा का बहुत फेवरेट है। मैं यूजुअली बनाना प्योरे भी देती हूँ, पर बनाना मेरे पास था नहीं, सो मैंने एप्पल प्योरे बना दिया। और बस उसको पील ऑफ कर दिया उसका जो आउटर लेयर है, और उसको बस स्टीमर में अब मैं रख दूँगी 5-7 मिनट के लिए, और वो स्टीम होकर रेडी हो जाएगा। जैसा कि अभी उसका स्नैक का टाइम हो गया है, सो मैंने एक्चुअली उसके स्नैक के लिए एप्पल स्टीम्ड कर दिए, बस अभी इसका मैं प्योरे बना के उसको खिला दूंगी। मैं उसको ऑलरेडी उसको मिल्क पिला चुकी हूँ, वो अपनी फीडिंग ले चुका है, बट मैं उसके बाद उसको ऐसा स्नैक दे देती हूँ 1-1.5 घंटे बाद। सो अभी बस उसको प्योरे बनाती हूँ, और उसके डिनर के लिए मैं ओट्स और आलमंड का सेरेलेक जिसे बोल सकते हैं मैं वो बनाने वाली हूँ, सो वो भी मैं शेयर करती हूँ। तो अभी मैं डिनर की प्रिपरेशन करने जा रही थी। डिनर में मैं बनाने वाली हूँ ओट्स आलमंड का पॉरेज, जो मैं पूरा स्क्रैच से बनाने वाली हूँ, और मैं उसका बना के लाइक कंटेनर में स्टोर करके रखती हूँ। सो जब भी आपके पास टाइम नहीं हो, आपको क्विकली बनाना हो, तो आप वो बना सकते हो। सो बस कुछ नहीं, मुझे इसमें आलमंड्स चाहिए और ओट्स चाहिए। सो मैं क्विक ओट्स यूज़ कर रही हूँ बस। फिर मैंने आलमंड्स को ऐसे चॉप करके रखी है, क्योंकि अगर आप जब उसको पीसने जाते हो तो अच्छे से वो पाउडर फॉर्म में हो जाता है। बस ओट्स और आलमंड्स को भी मुझे रोस्ट करना है, मुझे तब तक रोस्ट करना है जब तक ऐसा ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, बस हमें रोस्ट करके रख देना है। सो अभी रोस्ट हो चुका है ओट्स और आलमंड्स, अभी उसको बस ठंडा होने देना है थोड़ी देर हमें, और उसके बाद हम उसको पीस लेंगे, और उसके पीसने के बाद हम उसको थोड़ा छान लेंगे। तो मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। सो डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी, और साइड में मुझे ये एप्पल का प्योरे भी बनाना था, जो मैं एक्चुअली मैंने साइड में रख दिया था, क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली दोनों काम करती हूँ, और मैं सिम्बा को 6 बजे उसका डिनर करा के उसको फ्री कर देती हूँ। और बस आप देख सकते हो कि आप इसको, आपको ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी आपके ऊपर है, अगर आपका बेबी जैसी कंसिस्टेंसी लेना चाहता, पर अगर आप ज़्यादा उसको ज़्यादा उसमें वाटरी कर दोगे तो उसका वो जो टेस्ट है जो एप्पल का, वो इतना अच्छा आएगा नहीं। सो आप देख लेना आपके बेबी के हिसाब से, बट ये कंसिस्टेंसी अच्छी रहती है, इसमें टेस्ट भी अच्छा रहता है। क्यूटू भाई, क्यूटू भाई, यम्मी। सो सिम्बा ने फिनिश कर दिया उसका स्नैक, ये रहा, उसने एप्पल प्योरे पूरा फिनिश कर दिया है। यस, गुड बॉय। सो ये एप्पल खाने के बाद होता है उसको रिएक्शन। ये सो अभी मैं जा रही हूँ जो ये मैंने बनाया था ओट्स और आलमंड्स का, जो ऑलरेडी मैं ड्राई रोस्ट कर चुकी हूँ, अब बस मैं इसको इस जार में रख के इसको पीस दूंगी। सो बहुत सिंपल प्रोसेस है। पीस के कुछ ऐसा हो गया, ये फर्स्ट पोर्शन है, अभी इसको हम छान लेंगे। इसको छानते इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा भी जो रह जाते हैं, जैसे बादाम रह जाता है या
ओट्स ले जाते हैं तो उसको अगर छान लोगे तो जो बच जाएगा वापस उसको पीस सकते हो। सो अभी हम वही करें। और आप देख सकते हो ये इतना ऐसा पोर्शन बच गया है, अभी इसको हम वापस उसको पीस लेंगे, उससे अच्छा रहता है। देखो ये पाउडर ये फॉर्म में आ गया, ये सही रहता है, हमें यही चाहिए। सो ये रेडी हो गया है, ओट्स आलमंड का पाउडर, बस ये रेडी टू ईट है। अब मैं बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप कैसे होता है, सो वो भी आप देखोगे इसमें फिर में। आप इसको 2 महीने तक स्टोर कर सकते हो क्योंकि क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में, और ये बस इजी रहता है। एक टाइम आप ये भी दे सकते हो और एक टाइम वेजेस दे सकते हो, एक टाइम फ्रूट दे सकते हो। सो मैं ऐसे करके बैलेंस करती हूँ बिकॉज बेबीज़ को नहीं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है अगर उनको एडिकेट फाइबर्स नहीं जाते उनके बॉडी में। सो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं एक टाइम वेजिटेबल्स दूँ, एक टाइम फ्रूट दूँ, अगर फ्रूट नहीं तो मैं स्नैक में दे देती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। देन इवनिंग में मैं ऐसा कुछ होममेड सैरलेक दे देती हूँ। सो ये एक चीज़ है जो मैं देती हूँ। दूसरी 2-3 चीज़ें जो है वीट का राब बना देती हूँ, रागी का राब बना देती हूँ, देन वो मखाना काजू बादाम का भी बनाती हूँ मैं, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सब मैं बनाने जा रही हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने अभी 90 ml जितना इसे वाटर लिया है, बस मैं वही सीधा वो वाटर डाल दूँगी बस। और अभी 1 टेबल स्पून मैं ये ओट्स पाउडर डालूँगी जो मैंने बनाया था। ये देख सकते हो आप, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं करना है हमें। ये कंसिस्टेंसी ज़्यादा सही है। बस अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऐसे घी डाल दूँगी, आप ऐसे घी भी मिला सकते हो इसमें। और अभी बस मैं जैगरी पाउडर डाल दिया है और बस इसे मिक्स करो। सो इलायची पाउडर मैंने अभी जस्ट मिला लिया है, आप देख सकते हो मिक्स कर रही हूँ। और क्वांटिटी मैं उस हिसाब से चेंज करती रहती हूँ, सो मुझे पता है क्या दो कितनी क्वांटिटी लेगा क्योंकि इसके पहले वो स्नैक खा चुका है, सो मैं उस हिसाब से बनाती रहती हूँ। सो ये सारा रेडी है। लो सिंबु, लो सो दैट्स इट फॉर द टुडेज व्लॉग। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू गाइस सून विद माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय।